नमस्कार। जी हाँ, राजस्थान मौसम के बारे में बात करेंगे। अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के मौसम कैसा रहेगा? अगर आप राजस्थान से हो तो आप इस वीडियो को अभी से जल्दी से लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जहाँ कहीं भी रहते हो अपने जिले का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हम वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो उड़ीसा के ऊपर हवाओं का एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ मानसून ट्रफ लाइन आज भी जैसलमेर कोटा व लो प्रेशर से होकर गुजर रही है। आगामी 48 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, लेकिन 17 जुलाई से मानसून ट्रफ लाइन धीरे धीरे उत्तर यानी हिमालय की ओर शिफ्ट होने से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर में कुछ भागों में बारिश की गतिविधियाँ 17 व 18 जुलाई से कम होने की संभावना है। फिर बाद में धीरे धीरे पश्चिमी हवाओं का प्रभावी होना शुरू हो सकता है। पूर्वी राजस्थान में 16 जुलाई तक कुछ भागों में हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों तक जारी रहने की संभावना है, लेकिन मौसम विज्ञानों की माने तो 16 व 18 जुलाई तक प्रदेश में किसी जिले को लेकर चेतावनी जारी नहीं की है। अगर हम आज की बात करें तो आज 15 जुलाई को 6 जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो 17 जुलाई के बाद पश्चिमी हवाओं का असर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, जिसके चलते बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के अलावा दोपहर के समय उमस भरा माहौल रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तराई वाले इलाकों में घूमने के कारण राजस्थान में अगले सप्ताह सूखा रहने की संभावना है। वैसे मौसम विभाग ने अधिकतर इलाकों में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान के कुछ एक राज्यों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। हालांकि अगले 48 घंटे सुकून भरे निकल सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां में कमी आ सकती है। उदयपुर संभाग में अति भारी बारिश की संभावना है, जबकि बीकानेर जोधपुर संभाग में 48 घंटे के दौरान मध्यम व हल्की बारिश हो सकती है। 17 जुलाई के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि राजस्थान में बारिश का दौर अब धीमा हो जाएगा। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक रहने की संभावना है, उसके बाद मौसम पूरी तरह से शांत हो सकता है। आज की बात करें तो उदयपुर संभाग की बात करें, जैसा कि बताते चले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में बरसात होने की संभावना है। बता दें पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और इन इलाकों में भी बरसात की संभावना। साथ ही जोधपुर संभाग के पाली, जालौर, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अजमेर संभाग के नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, इनमें भी बारिश की गतिविधियां हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन सकती है। जयपुर संभाग के भी दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू के इलाकों में भी बरसात का दौर लगातार जारी है। कोटा संभाग के भी झालावाड़, बूंदी या आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रह सकती है। मौसम की सही व सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर खबर मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।